पेंसिल विलेज ऑफ पुलवामा, जितना अनोखा नाम उतनी ही विचित्र कहानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी। आज एक कहानी आप सबके समक्ष लेकर मैं हाजिर हूँ। कहानी जो है समाज के एक ऐसे तबके से जुड़ी हुई है और कह लीजिए कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के ओकू गांव से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत का पेंसिल गांव जो है उसे इस नाम से जाना जाता है। और इस गांव ने खुद ही अपनी उन्नति, अपने विकास और अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी जो है वो लिख डाली है, क्योंकि ये गांव जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से 150 देशों से, यानी कि 150 देशों से, और भारत की पेंसिल निर्माण इकाइयों में 90% जो कच्चा माल है, यानी कि उसकी आपूर्ति जो है इसी गांव द्वारा जो है वो की जाती है। और इससे पहले यहाँ पर चीन जैसे देशों की लकड़ी का आयात जो था वो किया जाता था, और 2010 के बाद से कुछ लोकल जो व्यापारी थे, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि ये लकड़ी पेंसिल बनाने के काम के लिए भी अप्रोप्रिएट है, तो इससे क्यों ना हम पेंसिल जो है वो बनाना शुरू कर दें। और ये पेंसिल बनाने का काम भी शुरू हुआ, और कश्मीर में चिनार की लकड़ी में नमी की मात्रा आदर्श होती है। और 45 साल के मंजूर अहमद अलाई जो है वो ओकू गांव में बसी सबसे बड़ी पेंसिल स्लेट बनाने में काफी फैक्ट्रियों में से एस्टैब्लिश करने वाले उनमें से एक मालिक हैं। और उन्होंने बताया है कि 2011 में मंजूर अहमद ने लकड़ी के स्लेट बनाने के लिए जम्मू का दौरा किया था, और इसके बाद हिंदुस्तान पेंसिल की सहायता से ओखू में एक इकाई की स्थापना की, और जल्द ही अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ा और उन्हें भी इस व्यवसाय में शामिल किया। इसके साथ बहुत से संगठन जुड़ना शुरू हो गए, बहुत सी और इंडस्ट्रीज जो थी इसमें सामने आई। और मंजूर अहमद ने कहा कि जब भी हमारे जीवन में बसंत ऋतु आती है तो हमारे जीवन के लिए ये बसंत ऋतु बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि स्कूल कॉलेज एक बार फिर से खुल चुके हैं, और अब हमेशा से ही देश भर में बड़े ब्रांड की मांग के मुकाबले आपूर्ति की दौड़ में हम लग चुके हैं, यानी कि उन्हें एक मौका मिल चुका है अपना प्रदर्शन, अपने गांव का प्रदर्शन, अपने गांव की पेंसिल्स का प्रदर्शन करने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस उद्योग में वे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें मदद है, और जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजनाओं की भी मंजूरी दी गई है। यानी कि वोकल फॉर लोकल की कॉल को मद्देनजर रखते हुए दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के ओकू गांव की ये कहानी है, जहां पर द पेंसिल विलेज ऑफ पुलवामा इसे कहा जाता है। और इन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता की और अपने विकास की कहानी खुद लिखी है, यहाँ से जुड़े हुए तमाम छोटे छोटे लोगों को रोजगार प्रदान किया है, एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की गई है, और हम सबको एक इंस्पिरेशन देते हुए ये गांव ने एक स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो इससे रूबरू हो सके। अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून अशरफ भट्ट, कैसे हैं आप? और उम्मीद करूंगी कि इस इंस्पिरेशनल जो स्टोरी से आप सब जो हैं खुश हुए होंगे, और मेरा मकसद भी यही था आप सबके समक्ष अपडेट्स के साथ साथ एक कुछ ऐसी कहानियां रखूं, कुछ ऐसे गांव की कहानियां रखूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव में कुछ दिलचस्प है, कुछ तिरंगा है और विश्वसनीय है, तो जरूर हमसे संपर्क करें। मैं जरूर उन लोगों की कहानियां जो है हमारे माध्यम से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।